हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ARPOP डिजाइन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपके बीच में हमेशा पीओपी डिजाइन की डेकोरेशन के बारे में आपको बताता ही रहता हूं, उसकी जानकारियां मैं आपसे शेयर करते रहता हूं। तो मैं आज आपको जो स्क्रीन पे आपको डिजाइन दिख रहा है, वही डिजाइन मैं इस पे बनाया हूं, और ये सेम टू सेम उसी तरीके से मार्किंग किया जाएगा जैसे मैं आपको इस वीडियो में मार्किंग दिखाऊंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें कि आगे के आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, और लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। देखिए, तो ये हमारी जो डिकोर है, आप इसको आराम से समझ लीजिए, ठीक है। मैं मार्किंग टू मार्किंग आपको दिखाता हूं और कैसे ये बना है, उस चीज़ को आप समझ लेंगे। देखिए दोस्तों, ये हमारा एक रूम तैयार हो गया, ठीक है। अब हमें ये एक फुल यस बनाना है, ठीक है। वो भी उसमें हम आप अपने हिसाब से गली कितना रखेंगे, 20 सेंटी, 30 सेंटी, तो आप उसमें कितना गली रखेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम पहले एक रूम बना लिए, ठीक है। अब हमें मान लीजिए उसकी गली कितना रखना, मान लीजिए हम आपको बताने तौर पे 1 सेंटी हम इसमें रखते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये हमारा मार्किंग हो गया, तो पहला मार्किंग हमारे यहाँ से घूमेगा, ठीक है। ये एक मार्किंग हम यहाँ से घुमा लेते हैं, ठीक है। ये फुल यस हमारा बन रहा है। अभी हमारा सेंटर हो गया, यहाँ पे इसको हम मार्क कर लेंगे, ठीक है। जब अब देखिए, हमारा जरूरी नहीं है कि ये लंबा रूम रहता तो हमारा ये कम एरिया रहता, तो इसको ये वाला कम आएगा, और ये वाला आपका ज़्यादा आएगा, ठीक है। अब जितना सेंटर है उसी तरीके से इसका सेंटर करके हम इसी वाले पर से मार्किंग कर देंगे, ठीक है। यानी हम आप दोबारा इसको ऐसे मार्किंग कर लेंगे, ठीक है। अब ये हमारा 8 बन गया, ठीक है। अब आपको रिंग कितना बनना है उसी हिसाब से आप उसको ये वाले मार्किंग पर रख करके, इस वाले मार्किंग पर रख करके इसको एक रिंग बना लीजिएगा आप ऐसे, ठीक है। उसी तरीके से इसको कर देना है मार्किंग। देखिए हमारा रिंग में ये एक 8 भी बन गया, ठीक है। और इसको हम जब यहाँ से काट देंगे तो ये हमारा यस बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, हमारा ये मार्किंग हो गया, हमने दो एक रिंग यहाँ पर बना लिया है, ठीक है। जो हमारे सेंटर यहाँ पे आया है, ठीक है। अब हमें बीच वाले सेंटर से चलना है, ठीक है ना। अब एक राउंड हमें बीच में घुमाना है, ये जो रिंग है हमारा, ये हो गया एक रिंग, ये हमारा रिंग आएगा, ठीक है। ये गली हो गई है और ये रिंग हो जाएगा हमारा, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, ये रिंग हम यहाँ पे घुमा देंगे ऐसे, ठीक है ना। ये अब हमारा एक रिंग हो गया, ये वाला रिंग है हमारा, ये वाला जो रिंग है ना, ये रिंग हो गया, ये वाला, ये अंदर का रिंग। आपको स्क्रीन पे वो डिजाइन दिख रहा होगा, आप उसको देखेंगे भी और इस मार्किंग को समझेंगे भी, तो आप इंशाल्लाह उस मार्किंग को समझ लेंगे आराम से। फिर ये बीच वाला जो हमारा एक है उसको हम बना रहे हैं। देखिए, आपको ये एक सेंटर निकालना है यहाँ पे, और इसी सेंटर से आपको बनाते चले जाना, और आसानी तरीके से वो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उम्मीद करूंगा इस मार्किंग को आप समझ लेंगे। देखिए, मैंने इसको बना लिया, ठीक है। अब ये हमारा जो एरिया, ये बीच वाला जो है ना, अभी हिसाब से इसको हम देखिए क्या करते हैं। जो स्क्रीन पे हमारा दिख रहा है, जो डिकोर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, तो वही हम ये डिजाइन बना रहे हैं, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, जो ये साइज जो है ना, ये वाला बाहर वाला साइज, ठीक है। अब इसको हमको यहाँ पे कट कर देना है उतना ही चौड़ा, तो जितना ये आएगा उसी हिसाब से इसको हम यहाँ पे कट कर लेंगे, ठीक है। अब ये मान लीजिए जितना आपका रिंग आएगा साइज, ठीक है, ये जो साइज आएगी गली की, वही गली की साइज यहाँ पे कट हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे हम कट कर लेंगे। देख लीजिए, हमने इस दोनों को कट कर दिया,
अब ये वाली हमारी बीच वाली एक मार्क हम इसको हटा देंगे, ठीक है, ये हमारा यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारी गली है, ठीक है ना, ये वाली गली है। अब गली गली को हम पूरा भर देते हैं पेंसिल से, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको हम गली को पूरा भर देते हैं, ठीक है। आप इसको आप छोटा बनाएं या बड़ा बनाएं, ठीक है, आपको इसी तरीके से बनाएंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है ना। यही मार्किंग से आप सेम टू सेम आप समझ लीजिए, इसी मार्किंग से आप बना लीजिएगा, ये आप छोटा बनाइए या बड़ा बनाइए इसी तरीके से बनेगा ये। देख लीजिए, हमने एक सर्कल यहाँ पे घुमाया, ठीक है, और एक सर्कल यहाँ पे घुमाया, ये जो सेंटर हमारा आया, ये जो रिंग है ना, इसी रिंग का साइज हम यहाँ पे दोनों साइड ले लेते हैं आधा आधा इस सेंटर से, ठीक है। ये जो हमारा सेंटर है ना, तो ये जो रिंग का जो साइज है ना, उसका आधा इधर ले लेंगे, आधा इधर ले लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से रख करके और सबसे पहला मार्किंग हम यहाँ से लेते हैं, ठीक है, यहाँ से लेते हैं, इसको पूरा घुमा फुल राउंड घुमा लेते हैं। फिर उसी तरह से इस वाले मार्किंग पीछे आकर के इसको पूरा पूरा राउंड हम घुमा लेते हैं, ठीक है। देखिए हम पहले घुमाए थे, आपको दिखाए थे, फिर उसी तरीके से ये वाला हम पूरा घुमा लेते हैं, फिर ये बाहर वाला इस पे लाके मिला देते हैं, ठीक है। तो देखिए ये बन हमारा ये जो ऐसे बन जाता है, ठीक है ना, ये जो सर्कल हमारा इसमें आके मिल जाता है, ठीक है। और इसी हिसाब से आप यहाँ पे ये बीच वाली रिंग बना लीजिए, ठीक है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये जो डिजाइन आपको दिख रही है, ये वही डिजाइन हमने इसको बनाया है यहाँ पे। तो मैं उम्मीद करूँगा इस मार्किंग को आप समझ गए होंगे। तो हमें इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियो कैसी लगती है। तो शुक्रिया नेक्स्ट वीडियो के लिए।